ना गांव की छोरी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपने देखा था कि पिछले वीडियो में मैं बुआ के घर में ही थी अपने, अभी मैं छोटी बुआ के घर आई हुई, कल शाम को ही आ गई थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक पार्क घूमने, तो मेरे भाई लोग के साथ जा रहे हैं हम लोग, तो हर्ष तो देवू ये है, तो हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं पार्क घूमने। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पार्क घूमने, आपको दिखा के लाती हूँ। यहाँ जो पीछे हमारे घर के एक पार्क बना हुआ है तो वहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग तीनों ऐसे बैठे हुए हैं एक ही स्कूटी में और जा रहे हैं पार्क। पहुँच चुके हैं जस्ट पीछे है, तो जल्दी ही पहुँच गए, स्कूटी से बता चुके हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं पार्क के, बहुत ही सुंदर पार्क है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स ये रहा वो पार्क जहाँ हम आए हुए हैं घूमने। यहाँ से आए हुए हैं और फ्रेंड्स आप देख सकते हो वहाँ इतना तालाब है, इतना बड़ा तालाब है और पूरे वहाँ पर आगे तक ना मतलब कमल के इतने सुंदर फूल दिख रहे हैं मेरे को, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आगे तक लगा हुआ है कमल पूरे में, ये तालाब है। फ्रेंड्स हम जिस जगह आए हुए हैं, जगह का नाम है संग्राम सागर, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। सामने तालाब है, कमल के फूल इतने सुंदर दिख रहे हैं, पूरे में ग्रीनरी दिख रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं चारों तरफ ग्रीनरी, पहाड़ और बहुत ही शांति है यहाँ पर, बढ़िया फ़ोटोशूट के लिए भी बहुत सुंदर जगह है यहाँ। वैसे हमारा भाई लोग फ़ोटोशूट के लिए ही आए हुए हैं यहाँ पर। तो हमारे भाई लोग यहाँ बैठे हैं, कैमरा सेट कर रहे हैं, अभी फ़ोटो शूट होगा। ये हीरो मिस्टर बड़ा स्मार्ट लगता है मेरा भाई, देव प्रकाश नाम है, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं आप इनको, देव प्रकाश पटेल। और ये हर्षित सिंह रौरे, कैमरा एंड सेट हो गया इनका। बाकी चलिए फ्रेंड्स अपन चलते हैं आगे। मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम आई हुई हूँ, पहले भी आ चुकी हूँ घूमने, शाम टाइम भी सुबह टाइम भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। आप देख ही सकते हैं कितना मस्त लग रहा है यहाँ से देखने में, यहाँ पर ये सिटी दिख रही है और ये सामने तालाब जैसे कि मैंने आपको दिखाया, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और आगे तक भी है पार्क। चलते चलते तो काफ़ी आगे आ गए हैं और उनका फ़ोटोशूट भी चालू हो गया है पीछे। बाकी तो मैं यहाँ पे घूम रही हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा पार्क खाली है इस टाइम पर, कोई भी नहीं है, हम तीनों बस हैं यहाँ पर और बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है मेरे को तो यहाँ पर, यार बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। आगे भी है, आपको दिखाती हूँ, और आगे जाना पड़ेगा, बट इन लोग आ जाए उसके बाद ही हम आगे जाएंगे क्योंकि अभी इनका फ़ोटोशूट चल रहा है, पता नहीं कितना टाइम लगता है। तो फिलहाल तो यहीं घूमते हैं और जब आ जाएंगे वो लोग तो फिर चलेंगे थोड़ा और आगे की ओर।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे पानी कितनी वेस्टेज हो रही है, पाइप से ऐसा पानी निकल रहा पूरे में। और बारिश वाला मौसम भी है, आज धूप भी नहीं निकली है तो बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड देखिए यहाँ से दिखाती हूँ आपको, ये लगे हुए कमल के फूल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वहाँ पास तो पूरे में है वहाँ पे कमल के फूल, यहाँ तो थोड़े से दिख रहे हैं, यहाँ बीच में खाली है, वहाँ पास बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, पूरे में है वहाँ तो। और हम थोड़ा और आगे आ गए हैं, एक तो बहुत बड़ा पार्क है, हमको वहाँ जाना है वहाँ पास। अभी तो रास्ता भी नहीं दिख रहा है यहाँ पेड़ के कारण, वहाँ लास्ट तक है, यहाँ से जाएंगे। और यहाँ पर भी ये पानी का वेस्टेज कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन देखने में ऊपर तक फुहार जा रही है पानी की, बढ़िया बारिश का आनंद ले सकते हैं यहाँ पर तो, इतना मस्त लग रहा है देखने में। ऊपर वहाँ पे एक बंदर बैठा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स चलते चलते हम लोग थोड़ा और आगे आ गए, इन लोग भी आ गए हैं आगे, बट इन लोग बीच बीच में रुक के फ़ोटो शूट करते जा रहे हैं और वहाँ तक जाने को टाइम लगेगा अभी, और इनका फ़ोटो शूट मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, मैं बीच में आ रही हूँ क्योंकि। तो चलिए फ्रेंड चलते, तब तक थोड़ा आगे, इनको तो ऐसे ही टाइम लगने वाला है, तो मैं तो जा रही हूँ आगे, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम आगे आ चुके हैं और इनका भी फ़ोटोशूट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी ये बंदर की फ़ोटोज़ ले रहे हैं, और ऐसे यहाँ पे मंकी है, डर गया भाई। यहाँ पे ऐसे मंकी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने पास में है। और हम आगे आ गए हैं, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से लेफ़्ट साइड लेना है, तो यहाँ से लेफ़्ट जाके ऐसी सेम स्ट्रीट बनी हुई है पार्क की, और बस वो जो आपको एंड दिख रहा है वहाँ तक ही पार्क है, और यहाँ से पूरा ऐसा नज़ारा दिखता है। यहाँ से सामने वहाँ पे मंदिर दिख रहा है आपको, एक वो भैरव बाबा का मंदिर है वहाँ पर, और बहुत ही सुंदर मंदिर है, वहाँ से भी बहुत अच्छे व्यूज़ दिखते हैं मंदिर से। और ये रहा पार्क का एंड, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये पार्क, और मैंने घुमाया या क्या बताया आपको, ये तालाब दिखाया, तो इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, कल फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। ओके।